पाकिस्तान में हर जगह ऐसा लग रहा है कि मुझे ये रिकॉर्ड करना चाहिए। ये देखो उस तरफ सनलाइट हो रहा है, सनलाइट है। यहाँ पर स्नोफॉल हो रहा था, इस साइड थोड़े से आगे बढ़े मीन्स कुछ ही दूर है, 20 मिनट के बाद यहाँ तो स्नोफॉल बंद हो गया। इस जगह में से लगता है स्नोफॉल नहीं हुआ है और सनलाइट दिख रहा है। यहाँ पे वीडियो पे शायद नहीं आया क्योंकि गोप्रो में जूम नहीं है, लेकिन वहाँ दूर दूर पे घर है, छोटा छोटा सा पहाड़ों में। वाओ, ये एकदम नॉर्मल सा पहाड़ है और उस तरफ देखो बर्फ वाला पहाड़ है स्ट्रेट। तो गाइस मैं आ गया हूँ यहाँ हॉस्टल में, गुनीब में आते ही यहाँ पास में है। ये हॉस्टल का नाम गुनीब है। ये कुछ ऐसा है दिख रहा है, ये हॉस्टल काफ़ी खूबसूरत सा है। सबसे खास बात ये हुआ कि इन्होंने बोला आपके लिए सिर्फ 100 रूबल, इंडिया से हो पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन ये बोले कि 100 रूबल सिर्फ मेरे लिए, मींस हमारा हो गया 70 रुपये। वैसे यहाँ का दाम है 1000 रूबल। यहाँ रूम प्रिपेयर हो रहा है, ये आई थिंक रेस्टोरेंट है। यहाँ पर 6-7 रूम है इस तरफ, उस तरफ 2-3 रूम है। ये आंटी रूम प्रिपेयर कर रही है, ये शायद मैनेजर है यहाँ पे, रूम प्रिपेयर कर रही है। ये बेड हो गया मेरा, अरे भाई हेल्प किया मुझे ये हॉस्टल ढूंढने में। नाम तो अभी तक मैंने इनसे पूछा भी नहीं, करते भी सब मोहम्मद मोहम्मद एवरीवेयर मोहम्मद। यहाँ पे मोहम्मद नाम बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हर जगह। मैं बस में ही बैठा था, मेरे साथ में जो बैठे थे उसका नाम मोहम्मद है। रास्ते में कुछ लोगों से मिला, उनका नाम भी मोहम्मद है। रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा, रेस्टोरेंट में जो वो भाई थे उनका नाम भी मोहम्मद है, बहुत पॉपुलर है। हम लोग के यहाँ क्या होता है, मोहम्मद फर्स्ट नेम होता है, उसके बाद एक और होता है, यहाँ पे सिर्फ मोहम्मद नाम है। ये इनका हीटर है, बाहर ठंड है, अंदर ठंड है थोड़ा। अभी बाहर जाकर दिखाएंगे आपको। मैं आया था यहाँ जैसे बस स्टॉप में, तो ये भाई मुझे मिले यहाँ पर, मोहम्मद भाई। तो पूछ रहे थे कहाँ जाओगे, वहाँ पर होटल है, होटल जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, और मेरा कार्ड यहाँ पे काम कर नहीं रहा है, तो सब अगर होटल में सब खर्च कर देंगे तो फिर बाकी का दिन रहेंगे कहाँ पे, मैनेज कैसे करेंगे। तो मैं बोला कि नहीं वो होटल में नहीं जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा महंगा है, मुझे थोड़ा बजट में ट्रैवल करना है। तो यहाँ पर लेके आए, यहाँ पर ये बोले कि सिर्फ 100 रूबल, दाम ज़्यादा पता नहीं क्यों सिर्फ 100 ही बोले। मोहम्मद भाई मिले, ये सब हेल्प कर दे रहे हैं यहाँ पे, पूछ रहे हैं यहाँ पे, चेक भी कर दिए कि पानी गर्म है या नहीं, पता नहीं क्या बोले इनको, काफ़ी इन्होंने हेल्प कर दिए आके। यहाँ पे बोले चलो अभी बाहर चलते हैं, यहाँ दिखा देते कि यहाँ पे कहाँ खाने पीने का कहाँ है। बोले नहीं हम कर लेंगे, बोले नहीं नहीं फिर भी चलो हेल्प कर देंगे, ठीक है चलते हैं। तो बैग रख देते यहाँ पर, निकलते हैं। ऐसा है कुछ शहर गुनीब, वो ऊपर भी घर है। अभी रात को समझ में नहीं आएगा, सुबह को सही से दिखेंगे। यहीं पे बस रोका था, यहाँ पर लाके बोला ये लास्ट स्टॉप है, यहाँ पे उतर गए थे ये भाई, मुझे यहीं पे मिले। यहीं पे मिले, बोले चलो हेल्प कर दे रहे। उतर के ये पास में है ये हॉस्टल गुनीब, शायद नया बन रहा है, थोड़ा ठंड है अंदर। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? खुरशो, व्हाट इज योर नेम? माय नेम है शम्स अकबर। माय नेम इज मोहम्मद। मोहम्मद, यू आल्सो मोहम्मद? यस, ई मोहम्मद, यू मोहम्मद, 1 2 बस अब तो बस मोहम्मद, एवरीवन मोहम्मद। सो खरोश बोल दखा, गुड नाइट। गुड नाइट। रात के टाइम कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो लेने के, पूरा अंधेरा हो रहा है, सुबह को ही दिखाएंगे। तो मोहम्मद भाई ये कैफे में लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, इंडिया, हाँ हाँ, शम्स अकबर, एंटी पूछे मुसलमान हम ले, हाँ बहुत।
छोटा सा रेस्टोरेंट है ये वाला, अच्छा रेस्टोरेंट है, लोकल लोग यहाँ पे आते हैं, कभी कभी टूरिस्ट लोग कुछ आ जाते। ये क्या बोल रहे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या बता रहे। यहाँ पे मैं इन लोगों से पूछ रहा था कि यहाँ से आसपास में कौन सा विलेज अच्छा होगा जाने के लिए, ज़्यादा ट्रेडिशनल है। मैं तो चौक जाने वाला, लेकिन ये बोले चौक से जो है थोड़ा प्रॉब्लम होगा जाने में, या तो टैक्सी से जाओ या तो फिर सुबह जल्दी उठना पड़ेगा आपको जाने के लिए। तो मैं तो सजेशन ले रहा था कि आसपास और कौन सा है। तो डेजर्ट रेगिस्तान, रेगिस्तान नहीं है विलेज। ये डेजर्ट दिखा रहे हैं, ओनली चौक, ओनली चौक। काम से नहीं है, यहाँ पे सब लोग बैठ के। हेलो, यहाँ पे सब अंकल बैठे हैं, यहाँ पे बोले सिगरेट पीते, बोले नहीं सिगरेट नहीं पीते। ये नेशनल फूड है यहाँ का, दागिस्तान के नाम है चुदू, यहाँ पे ये बोलते हैं। मैं इतना समझाने की कोशिश कर रहा कि इतना नहीं खा सकते हैं, मेरा इतना आदत नहीं है खाने का। ये एक सूप है यहाँ का, मैं आई थिंक दाल का है, हाँ लेंटिल्स है, दाल है, आलू है, और मैदा को जो है ना शायद बॉईल किया है इन्होंने, बॉईल करके काट के इसमें डाला है। पल्सेस, हाँ पल्सेस, दाल, इंडिया वी से दाल, ब्रदर ईट। खाना बर्बाद हो जाएगा, नहीं खा सकते, ऑनेस्टली नहीं खा सकते इतना। ये चीज़ का है, नेशनल डिश है, चीज़ है इसमें, पूरा चीज़ ही हो रहा है, एक ही खा लेंगे काफ़ी है, इतना सारा लेके आ गए। Eat, eat. I won't eat. Waste. I don't want. Чай, надо. Смотрите, точно есть женщина, рекордсмен. Чай или как? Нет, чай нет. Я заварил специально для вас. Старше меня нет ничего. Special. Specially for me. Yes. ये बोले कि स्पेशली इन्होंने मेरे लिए बनाया है, तो प्लीज़ पी लो। चाय मुझे पीने का आदत नहीं है। यही खा ले रहे, एक दो पीस ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम दो पीस, इतना क्या होगा पता नहीं। यहाँ पे कोई नहीं आ सकते रात को, उन्होंने अभी अभी एकदम गर्म हो रहे हैं, अभी अभी इन्होंने जल्दी से पता नहीं कहाँ बाहर से सामान वामान ला के फटाफट बना के उन्होंने बनाया। लगते भी है सबूत, आयशा, इनका नाम आयशा है, इंडिया आयशा वो चीन। ये बोले कि हाँ हो गई है, मुसलमान इस्लामिक नाम है। मैं सरप्राइज हो गया यहाँ पे कि ये अंकल, चलो बताते हैं अपना नाम की। मजीद, इनका नाम मजीद, ये बंगाली बंगाल में काम करते हैं, आई मीन बांग्लादेश में, बांग्लादेश एक होता है
Russian Culture Center, чакай коси. Russian Culture Center. Russian Culture Center. Consulate? Russian Consulate? Culture Center. Cultura. Dance teacher. Teaching? Culture, culture Center. Dance master. Pure Alliance Francis. तो ये रशियन कल्चर सेंटर में वहाँ बांग्लादेश में काम करते हैं, ढाका ढाका थे। मैं सरप्राइज हो गया यहाँ पे बांग्लादेश में बात कर रहे हैं। हमसे पूछे कि बांग्ला बोलते पा रहे हो? हाँ बांग्ला बोलते पा रही है अम्मी। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे यार, सबसे लास्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे कोई बांग्ला बोलेंगे। अपनी कोलकाता थे गई चीन भालू लग लो अपना कब जाएगा अपने छे जाना नेपाल किसी एक बार नेपाल कोलकाता में कोलकाता पहाड़ जगह ये जो ना अभी डाक पहाड़ ना नेपाल जब एक ने पहाड़ देख वो बाबो बंदी कोलकाता का खावा भालो लग लो खावा खाना अभी जाओ खत पर ना अपनी बिरयानी खाई चल बिरयानी हाँ खत भालो बाबो चिकन बिरयानी बीफ बिरयानी ना मटन बिरयानी ওটা সকালে খায়স্তাতে খায় পুরি পুরির সঙ্গে নিহারি রুটি রুটি হ্যাঁ রুটির সঙ্গে ভাই মে তো একদম সারপ্রাইজ হয়ে গিয়া চিনি এটা চিনি হ্যাঁ চিনি আর বোরিস কি আমি জানি না বোরিস এ তো পেপার পানিতে গ্রিন কালার मिर्च चिली 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 हाँ चिली हैं बांग्ला चिली वो मिर्चा मिर्चा चिली बोल रहे थे ये तो चिली आचे इकहने ना ना ये इकहने चिली नहीं हमारे कम चिली ना चिली रशिया की स्टूडेंट ना टूरिस्ट आचे वीडियो नियर जो नेशन चाहिए इकहने इकहना आचे कलकत्ता तक ही हाँ हेते ही हो बे या कुछ हो बे हेते ही हो बे বাঙালি তো আদার মেয়ে বাঙালি বাত এপ্রিল মাস শেষে বাংলাদেশ আসবো এখানে শুটিং করার জন্য বাংলাদেশের আসবে আমি রমজানের বিপর যাচ্ছি 1 এপ্রিলে যাচ্ছি আমার ভারত যাচ্ছি ইন্ডিয়া আমার ঘর 1 এপ্রিল আমি ইনভিটেশন পাঠাচ্ছি আপনি ওদেরকে হেল্প করবেন এটা আমি চোখ আমি চোখ যেতে চাই চোখ গাঁও দেন গিফট গিফট আই কান্ট ইট ইট উইল বেস্ট আই কান্ট ইট আই উইল ইট দিস লিটল ইট হ্যাঁ লিটল টেক টেক আউট টেক আউট টুডে ওহ ইয়েস ইয়েস টেক আউট সো দ্যাট এনিওয়ান আস আই বিন এবল টু দাজ আস টু ট্রাই দাজ দেগা আই কান্ট আর ইতনা মে খা নি সকতা বেস্ট হো জায়েগা আচ্ছা নি লাগেগা মে থোড়া সা খা কে এ খুনা লাচলে খাতা আওয়াজ মে সকালে নাস্তা করতে এখানে আসো বলছি সকালে নাস্তা করতে হ্যাঁ ঠিক আছে এসে যাব এখানে এখানে কোথায় ভালো জায়গা আছে এখানে গুনিবে আমি একটু দেখতে চাই কি ভালো এখানে না না সকালে আমি আসব একটু ওইখানে এখানে একটু ঘুমব তারপরে আমি চলে যাব তো আগে দরকার জানা কে যাব ওখানে মাঝে মাঝে গাড়ি আসে যায় অনেক প্রাইভেট কার যায় ট্যাক্সি না যাওয়া গাড়ি আর নিয়ে নাও
स्पाइसी नहीं है, एक भी स्पाइस नहीं है, लेकिन अच्छा है, टेस्ट अच्छा है। লম্বা লম্বা যা আছে ময়দা खा पी लेता कुछ इंटरेस्टिंग होता तो वीडियो लेके दिखाएंगे। बोली कल सुबह को नाश्ता में आना होगा तुमको, कल तो निकल जाए, बोले हाँ सिर्फ नाश्ता करके जाना होगा तुमको यहाँ से, तो चलो देखते हैं। ये है इन लोगों का नेशनल डिश, यहाँ पर ये सब लोग आ गए थे, मैंने उनको बुलाया तो कॉल करके यार। हुआ क्या, एक फनी चीज हुआ, आवाज सुन ले, यही आवाज आ रहा था, तो अचानक से जब मैं बैठ रहा तो यहाँ पे वही आवाज आ रहा, बैठने जा रहा, तो क्या है भाई यहाँ पे, कोई भूत भूत है क्या, जिन विन कुछ है, तो एकदम निकल गए थे, कॉल वॉल किए कि यहाँ पर ऐसा आवाज़ क्यों है, तो ये अभी आई आकर बोलती नहीं नहीं नॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं है, पानी पानी का कुछ हो गया था यहाँ पे, उसी की वजह से आवाज़ आ रहा है।